लास्ट वीडियो में हमने यहां तक कर लिया था, यहां तक 13.7 एक्सरसाइज पूरी कर ली थी, एग्जांपल्स कर लिए थे। अब हम करेंगे 13.8 एक्सरसाइज, क्लास 9th चैप्टर 13, एक्सरसाइज 13.8। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, ये वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला। फर्स्ट तो इजी लग रहा है तो सेकंड करेंगे हम। तो रेडियस हमें दे रखा है, तो स्फीयर की वॉल्यूम पता करनी है। तो खुशी तुम ही करोगी, यहाँ पे कर दो स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, स्फीयर है मतलब एक बॉल समझ लो, उसका रेडियस हमें दे रखा है 0.63 मीटर। तो इसकी हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ, स्फीयर की हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, ये करो तुम बस, मैंने लिख दिया 4/3 πr³। वैल्यूज पुट करनी है बस, वैल्यूज डाल दो इसमें। पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, बाकी सब एज इट इज लिख दो फटाफट। तो स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है, मतलब ये जो बॉल है ये कितनी जगह घेरती है, ये हमें निकालना है। वॉल्यूम मतलब कि ये कितनी जगह घेर रही है, वो होती है वॉल्यूम। स्क्रीन पे कर दो खुशी। फोर अपॉन थ्री अपन एज इट इज लिखेंगे। चलो मैं कर दूं, पाई की जगह हमने लिखा 22/7, रेडियस की जगह हम लिखेंगे 0.63 इंटू 0.63। नीचे ऐसा करते हैं, 100 कर लेते हैं, डेसिमल हटेगा तो 100 आएगा यहाँ पे। ये भी यहाँ पे डेसिमल हटेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो नीचे 2 जीरो। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट होती तो 1 जीरो आता। डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने जीरो नीचे लिख दो बस, सिंपल सा। अब हम पहले तो इनको कैंसिल कर लेते हैं। थ्री से तो नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 4 और 100। मल्टीप्लाई कर लो इनको, मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड कर दो। क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, वापस से बोलो। क्योंकि इसमें सिर्फ देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, बाकी तो कुछ 7 9 63 और ये हो जाएगा। चलो कर देते हैं, कर 7 7 7 9 63, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, ये 0 0 तो कैंसिल मत करो, इनको रहने दो क्योंकि डायरेक्ट डेसिमल लगाएंगे अपन। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 × 22 × 3 × 63 × 63, इन सबको तो करना पड़ेगा इंटू मल्टीप्लाई, और बस जो भी आंसर आ जाए उसमें 6 डिजिट के बाद में जीरो लगाना है यहाँ पीछे की तरफ से, क्योंकि नीचे 6 जीरो हो गए ना, 100 100 100 3 बार है। तो कुछ नहीं करना है, इन सबको करना है मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसमें लगाना है 6 जीरो। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.0478, इतना कुछ आएगा ये। ठीक है ना, तो हम इसे लिखेंगे 1.05 राउंड ऑफ करके। यहाँ पे 7 है तो ये बढ़ जाता है 1 से, तो 1.05 m³, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाथ से, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 6 डिजिट के बाद, यहाँ पीछे से 6 डिजिट के बाद में जीरो, ये डेसिमल लगेगा, मतलब 2 डिजिट और आएंगे, और फिर इसको राउंड ऑफ करके ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट था ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बस थर्ड तक करेंगे आज अपन इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर
इस बार ये हमें डायमीटर दे रखा है, इसमें भी सेकंड पार्ट करेंगे अपन, फर्स्ट वाला तो इजी है। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, तो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है ये कितना वाटर डिस्प्लेस कर देती है, कितना पानी, तो मतलब ये एक तरह से जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतना ये वाटर बाहर की तरफ निकालेगी, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है हमें यहाँ पे भी। चलो तो इसको भी कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? कर लूंगी ये। हाँ तो तुम करो, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा कुछ, अगर डायामीटर हमें दे रखा है 0.21 मीटर, तो रेडियस हमारा डिवाइडेड बाय टू, ये रेडियस हो गया, बस अब वॉल्यूम निकाल दो, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ये, करो लो तुम करो, 4/3 πr³। स्क्रीन पे कर दो तो जरा, यहाँ कर दो, ठीक है तो तुम नोटबुक में करो, मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ, तुम नोटबुक में कर लो। पाई की जगह हमने लिखा 22/7 और रेडियस हमारा हो जाएगा 21/200। 200 क्यों आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे 2 जीरो जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा 21/200। अब हम काटेंगे 7 × 7, 7 × 3 = 21, फिर हम काटेंगे 3 और 3 को, फिर और किसको काटेंगे, 2 × 1 = मतलब ये 100 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 1, फिर इसको भी काट देंगे 2 × 1 = और ये 2 × 2 = बस अब आगे नहीं काटेंगे, कट रहा है आगे बट हम काटेंगे नहीं इसको, 2 × 11 × 21 अपॉन 100 × 100। देखो इसमें क्या करना है, नीचे 100 ही रखा है पन्ने, ताकि इजी रहे, जो भी आंसर आएगा 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 50 नहीं करना है इसको, 2 से इसको मत काटना कभी भी, 2 और 100 को, 100 नीचे रहता है ना, सिंपल रहता है अपने लिए, 2 × 11 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 × 21, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आए उसमें 4 डिजिट के बाद लगाएंगे 0, इस पीछे की तरफ से 4 डिजिट गिन के मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को कितना आ रहा है, किस को? इन दोनों को 4, 6, 2 आया है खुशी, देखो तो 4 डिजिट के बाद 1, 2, 3, 4 ये आएगा अपना आंसर। वॉल्यूम ऑफ द बॉल 22 × 21, 10 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, 2 × 4 = 2, 6 × 4 = 4, 6 × 2 = 2, 0.21, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/3, 22/7 × 21/200 × 21/200। अरे एक बार और लिखना है ना, आर का क्यूब था देखो खुशी यहाँ पे, तो 3 बार लिखना अपन को, तो 21 एक बार और आएगा, तो इसको काट देंगे 1 × 5 और ये कट जाएगा 2 × 1 है ना, ये 3 बार लिखना था, तो ये अपना क्या आएगा यहाँ पे नीचे करना, नीचे कितने 300 आएंगे, नीचे आ गए ये और ऊपर ये 2 गायब हो जाएगा यहाँ से। अब करो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बताओ फटाफट, स्क्रीन नहीं। चलो मैं कर रही हूँ, तो 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर, 11 को और 21 को, तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 1, 4 31 आ जाएगा, और ऊपर ये 21 भी तो बचेगा ना, एक और 21,
11 बच गया 21 और ये 21, तो इसको वापस 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 431 को, तो हमारा आंसर आएगा 431 इंटू 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1509। फोर फाइव 10 19 9 0 5। हाँ करिए 4.3 7 इंटू 20 1220। पर इसको वापस से करते हैं, शुरू से करते हैं इसको एक बार वापस। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तो इन्होंने क्या बोला है हमें, इन्होंने बोला है कि टोमेटो वाटर डिस्प्लेस अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 0.21 मीटर, डायामीटर हमें 0.21 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.21 अपॉन में 2। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारी आ जाएगी 4/3 पाई आर का क्यूब, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, तो रेडियस की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 21/2, सो ही लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे भी लिखेंगे 21/200, क्योंकि डेसिमल हटेगा तो यहाँ आएंगे 2 0 नीचे, ठीक है, तो वापस लिख देती हूँ 21/200। 3 बार लिखना है क्योंकि पावर 3 है, ठीक है। अब 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 ये कटेगा, 2 1 जा 1 जा ये कटेगा, 2 1 जा ये कटेगा, 2 1 जा और ये कटेगा 2 1 जा, तो हमारा यहाँ पे बच गया 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 1 2 3 4 5, क्या हो गया, तो 21 और 21 अपना होता है 4 4 1, एक बार कर लेते हैं, 3 1 1 जा 1 1 2 जा 2 इंटू 2 1 जा 2 4, 4 4 1 आ जाएगा, 4 4 1 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, फोर फोर वन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 1, और यहाँ आ जाएगा 4 4। हाँ इस बार सही आ गया, 1 ये आ गया, 5 ये आ गया, 8 ये 4, कुछ मिस्टेक कर दी थी पिछली बार अपने, तो ये अपना आ गया 4 8 5 1 अपॉन और ये आ गए 6 0। तो देखो तो क्या करना है, यहाँ पे 6 के बाद में डेसिमल लगाना है सिंपल सा, तो 1 5 8 4 4, तो ये डिजिट होगी, डेसिमल यहां से आता है देखो हमेशा, 1 2 3 4, 1 0 लगेगा यहाँ पे, 5, एक और 0 लगेगा, 6, अब यहाँ आएगा डेसिमल, 6 डिजिट के बाद डेसिमल, नीचे 6 0 है तो 6 डिजिट के बाद में हमारा आ जाएगा डेसिमल, तो ये अपना आंसर आ गया मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ये आ गया हमारा आंसर 0.004851 मीटर क्यूब। बस आज यहीं तक ही करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3 अपन कल करेंगे, अब आज क्वेश्चन नंबर 2 तक ही किया है बस, कल हम करेंगे कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे का। हे गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स।